दोस्तों, आज के इस वीडियो में डिजिटल मल्टीमीटर से आप एलईडी बल्ब का सर्किट को कैसे चेक कर सकते हो, इसके बारे में आपको जानकारी दे रहा हूँ। तो दोस्तों, ये डिजिटल मीटर है और ये है एलईडी की सर्किट। हमने रैंडमली एक सर्किट उठाया है और ये दोस्तों डिजिटल मीटर है। अगर डिजिटल मीटर उपयोग करने नहीं जानते हो तो इसी चैनल पर आपको मिलेगा। हमारा बहुत सारा वीडियो है जो कि डिजिटल मीटर पर हमने बनाया हुआ है और काफ़ी पसंद किया जा रहा है। तो अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो वही चैनल पे सर्च करो और ज़रूर देखो। और ये देखो, ये एक डिजिटल मल्टीमीटर है जिसमें आप ये राइट साइड करते हो तो एसी टेस्टिंग का है। एसी दोस्तों 750 पे ही टेस्ट करना। और ये लेफ्ट साइड जब हम लेते हैं तो यहाँ आपको दिखेगा 1000 वोल्ट, 200 वोल्ट और 20 वोल्ट। तो ये डीसी रेंज है, ये रेजिस्टेंस रेंज है दोस्तों। यहाँ पर हम लोग डायोड चेक करते हैं, यहाँ से यहाँ तक आप रेजिस्टेंस चेक कर सकते हो। अगर इसका संपूर्ण जानकारी चाहिए तो आप ज़रूर देखो, हमारे चैनल पे ही है इसका संपूर्ण वीडियो। और ये दोस्तों एलईडी का एक सर्किट है जो कि अभी हमें एक सर्किट हमने चेंज किया, तो ये एलईडी सर्किट है। तो ये देखते हैं इसका एलईडी बल्ब अच्छा है या ख़राब है, इसे हम चेक करेंगे। और ये दोस्तों जो सर्किट है इसमें एक बार रिपेयरिंग हो चुका है। ये देखो, हमने भी इस टाइप का वीडियो बनाया है जिसमें अगर एक एलईडी ख़राब है तो आप उससे जम्पर करके आप उसे जला सकते हो। बट एक प्रॉब्लम आती है कि बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है दोस्तों। तो अगर ऐसा हो रहा है कि आपका एलईडी बार बार ख़राब हो रहा है तो आप वहाँ पे 15 ओम का एक रेजिस्टेंस लगा दो और फिर आपका एलईडी ख़राब जल्दी नहीं होगा। बट होगा ज़रूर, बट ऐसा नहीं कि तत्काल ख़राब होगा, आपका 6 महीने तक चल जाएगा। जैसा कि मैंने देखा हुआ है, 6 महीने से ज़्यादा ही चल जाएगा अगर आप कंटिन्यू नहीं जलाते हो। जैसे बाथरूम वगैरह में जहाँ हम लोग जाते हैं तब बिजली ऑन, लाइट ऑन करते हैं, तो वैसे जगह भी ये कंटिन्यू चलता रहेगा। और दोस्तों, बाकी इसके बावजूद भी ये सर्किट ख़राब हुई है क्योंकि काफ़ी लंबे समय तक इसमें ज़्यादा वोल्टेज जाता है। एक एलईडी ख़राब होने से सर्किट अनबैलेंस हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में सर्किट हमारा उड़ता है, शॉर्ट करता है। और दोस्तों, यहाँ पर आपको जो आप मैं दिखा रहा हूँ ये आप याद रखना। ये देखो, सबसे पहले डिजिटल मीटर को ये डायोड रेंज में रखेंगे, यहाँ पे डायोड का निशान है, यहाँ पे रखेंगे और फिर टेस्ट करेंगे। ये देखो, यहाँ पे जब हम रखेंगे तो इसके अंदर एक बजर लगी हुई है। जब हम प्लस माइनस प्रॉप को हटाएंगे तो एक बजर का आवाज़ आएगा आपको। ये देखो, बजर का आवाज़ आ रहा है, तो ये एक बजर का आवाज़ भी आपको मिलेगा। अब हम एलईडी चेक करते हैं। तो एलईडी चेक करने के लिए हम लेते हैं इस एलईडी सर्किट को और चेक करते हैं। दोस्तों, हमने रैंडमली ये वीडियो बना रहा हूँ तो सर्किट पता नहीं कितना अच्छा है ख़राब है, क्योंकि एक डैमेज सर्किट जो है काफ़ी उम्मीद कम रहता है एलईडी अच्छा होने का। तो पहले देख लेते हैं भाई क्या हो रहा है। बाकी मैं आपको ट्रिक्स तो बता ही दूंगा इस वीडियो के ज़रिए ही। तो ये 4 एलईडी तो हमने लेफ्ट साइड से चेक किया तो नहीं हुआ, और अब चेंज करते हैं प्रॉप को। तो राइट साइड से भी मैं चेक कर रहा हूँ तो ये दूसरा एलईडी भी ख़राब है, तीसरा चौथा भी एलईडी हमारा ख़राब ही निकल रहा है। तो ये साइड का है, ये 10 एलईडी की सर्किट है। तो एक एक करके चेक करेंगे। इसे जब चेक कर रहे हैं तो ये भी हमें डेट बता रहा है, यानी ना मीटर में कुछ सिग्नल दे रही है, ना बजर बज रहा है, ना ही हमारा एलईडी जल रहा है। अगर एलईडी अच्छा रहेगा दोस्तों तो एलईडी जल जाएगा, बट एलईडी जल नहीं रहा है। आपको लगता हो कि यहाँ से वोल्टेज हमें कहाँ से मिलेगा, तो यहाँ पे इनपुट आउटपुट वोल्टेज मिलता है, यानी हम जब चेक करते हैं तो वहाँ पे भी करंट जनरेट होता है, तो उस करंट से एलईडी जल जाता है। और जो ये सर्किट है ये थोड़ा डैमेज है, हो गया है, इस वजह से इसकी एलईडी नहीं जल रही है। ऐसे एलईडी पूरी तरह से ख़राब नहीं हुआ होगा मुझे लग रहा है, बट ये एलईडी इसलिए नहीं जल रहा है कि एलईडी थोड़ा डैमेज हो गया है। एलईडी डैमेज होने का मतलब क्या है कि ये जो वोल्टेज यहाँ मिल रहा है उतना वोल्ट पे ये एलईडी नहीं जल रही है। तो दोस्तों, आपको बता दूं कि ये देखो, एक मैंने एलईडी लिया है, जनरल एलईडी लिया है, ये आपका 1.6 वोल्ट का एलईडी है। अगर ये इस कोई नए सर्किट आप या पुरानी सर्किट चेक करोगे जो डैमेज नहीं होगा तो वो इस तरह से जलेगा, ये देखो। और अभी तत्काल हमारे पास कोई दूसरा सर्किट नहीं है, वैसे मैं आपको दिखाऊंगा उस सर्किट में भी। और अगर दोस्तों आपको लगता है कि भाई इसको चेक करने के लिए कुछ परफेक्ट हमें आइडिया मिले तो मैं इस पर एक वीडियो बना रहा हूँ, आपको जल्द ही मिलेगा। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।